टैलेंट हंट 3 के सफल आयोजन के बाद मैस्ट्रो फाउंडेशन फरवरी में टैलेंट हंट 4 का आयोजन गुजरात में करने जा रही है, जिसका ऑडिशन मुंबई के मीरा रोड में बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस ऑडिशन में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया और ऑडिशन दिया। इसके बाद यह फाउंडेशन दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात ऐसे कई जगहों पर ऑडिशन करेगी। वैसे हम आपको बता दें कि यह फाउंडेशन उन लोगों को मौका देती है जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसके अलावा यह फाउंडेशन और भी कई सामाजिक कार्य समय समय पर करते रहती है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर फाउंडेशन के लोगों ने और ऑडिशन देने आए हुए लोगों ने इस फाउंडेशन के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हाई एवरीवन, दिस इज आयन वोरा, फाउंडर मास्टर फाउंडेशन। Recently we had done first day of our Talent Hunt for audition, which is going to be held in Gujarat, Feb 2019. And it was successfully done today. Lots of artists had come over here and everybody enjoyed a lot. Now 27th to 31st October, we are in Delhi, we are going to Delhi audition. And after that 6th October to 6 November to 12 November we are in a UP, and 15 November to 20 we are in Uttarakhand and Nainital for the audition, and 25th December to 31st January 2019 that all audition going to be held in Gujarat. So if you have any kind of talent, so contact to Master Foundation, and if something is there in you, little bit talent, definitely will give encouragement and will give the platform and will put you people in the world showcase. Thank you so much. मैं मनसुख भाई ममनिया, मैं राधा कृष्ण ओल्ड एज होम से जुड़ा हूँ करके, और हमारी प्रेसिडेंट एक्चुअली बालिका मोहित पाटिल और चला रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कॉलेज में उनको परमिशन दिया करके जो टैलेंट फॉर का ऑडिशन करने के लिए, और उनको जो वोरा भाई की पूरी टीम को मेरी शुभेच्छा एक्चुअली कि बहुत उनको साथ सपोर्ट मिले, और एक्चुअली उनकी शुभकामना हमारे साथ में रहेगी कभी भी एनी टाइम, एक्चुअली हम उनसे जुड़े हुए करके, और ये चीज़ हम प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनके ऑडिशन के अंदर एक्चुअली हम जितना सहयोग होते हैं इतना हम करते रहेंगे करके, और भविष्य में कभी भी उनको जरूर गिरेगी तो उनके साथ पूरा है, और हमारा ओल्डेज के साथ में ये सब पूरा जॉइंट है करके। धन्यवाद। बालिका मोहिती पाटिल, मैं वडीज रूम चलाती हूँ। टैलेंट फॉर वोरा भाई को मेरी शुभेच्छा देती हूँ। शुभेच्छा देती हूँ। हाई, आई एम शकुन, मेंबर ऑफ मास्टर फाउंडेशन। मास्टर फाउंडेशन ने आज टैलेंट एंड फोर का ऑडिशन रखा जो बहुत ही सक्सेसफुल गया, और अगर आपके पास कोई सा भी कैसा भी टैलेंट है तो आप मास्टर फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और ज्वाइन करने के लिए लॉग इन करें www.masterfoundation.com। थैंक यू। हाय, मैं नाम रफत खान, और मैं मास्टर फाउंडेशन से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मास्टर फाउंडेशन में एज ए डायरेक्टर भी रहा हूँ अभी भी। आज हमारा डेट है 28 अक्टूबर 2018। आज हमारा फर्स्ट ऑडिशन मीरा रोड ओल्ड एज होम में था, और अभी 21, 22, 23, 24 अभी इधर बराबर चलता रहेगा, उन लोग कंटिन्यू है। उसके बाद हमारा ऑडिशन है दिल्ली में, दिल्ली के बाद ऑडिशन है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद गुजरात, और टैलेंट हंट फॉर 2019 में फिनाले रहेगा इसका गुजरात में। तो आपके अंदर किसी भी तरह का टैलेंट हो, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, मिमिक्री, कोई भी टैलेंट, तो एक बार मास्टर फाउंडेशन से जुड़िए। और जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है और गूगल पे जाना है, www.masterfoundation.com डायल कीजिए, क्लिक कीजिए और अपना जितने भी डिटेल्स है सेंड कर दीजिए। अब नमस्कार, मेरा नाम सुजेल खान है। बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले कई सालों से मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अब तक 250 या 300 के आसपास सीरियल में काम कर चुका हूँ, 4 बड़ी हिंदी फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें से इस साल मेरी रिलीज होने वाली मूवी है भागते रहो राजपाल यादव के साथ, वर्दी को सलाम आर्मी 2, जो कि शाहरुख खान की आर्मी फर्स्ट का पार्ट है, जिसको अंश राजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं जरीना भाप का हस्बैंड बना हूँ, और मेरा इसका कंटिन्यू शो चल रहा है रूप, जिसमें मैं इंस्पेक्टर अशोक असर कर रहा हूँ, और शक्ति में भी इंस्पेक्टर कर रहा हूँ, मुस्कान में मैं एक एजेंट का रोल कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, टैलेंट फॉर फोरम के बारे में क्या कहा?
या देखिए टैलेंट हंट के बारे में, ये मास्टर जो फाउंडेशन जो है ये एक संस्था है जो कि नए टैलेंट को चांस देती है और उनको आगे बढ़ाती है, प्लेटफॉर्म देती है। और एक जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो कभी जिन्होंने कैमरा फेस नहीं किया या कभी कैमरे के बारे में जानते नहीं कि उनके लिए कहते हैं कि कैमरा क्या है, तो उनको प्लेटफॉर्म देती है। वो सबसे बड़ी बात, कोई जाति, कोई धर्म, कोई गरीब, कोई ऊंचा नीचा, कोई रंग भंग, कोई भेदभाव नहीं है। उनका एक ही मकसद है आपके टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाना और आपको सक्सेस तक लाना। दिल्ली से हूं मैं, एक राइटर एक एक्टर हूं और मैं मास्टर फाउंडेशन के साथ जुड़ चुकी हूं। मास्टर फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो नए टैलेंट को एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। उसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाता है। ये मास्टर फाउंडेशन ही है जो आपको सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचाता है। तो प्लीज़ आइए मास्टर फाउंडेशन के साथ जुड़िए, बड़े छोटे बूढ़े जवान सबको वेलकम। हाय गाइस, माई सेल्फ रोहित गुप्ता, मैं एक्चुअल में भोपाल से बिलोंग करता हूँ, MP से, और मैं मुंबई में आए मुझे 7-8 महीने हुए हैं। और मुंबई में आके मैंने काफ़ी सीरियल और CID क्राइम पेट्रोल किया हुआ है। मेरी अपकमिंग बॉलीवुड फ्यूचर मूवी आ रही है जो कि अनसिवल मूवी का नाम है, जिसने मैंने हीरो का फ्रेंड का रोल किया है। और आज मैं मेस्ट्रो फाउंडेशन में जुड़ भी गया हूँ, जिसमें बहुत अच्छे छोटे बड़े बुजुर्ग सबको ही आ सकते हैं इधर और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सबको ही आओ और अपना टैलेंट दिखाओ। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं टाइगर उत्कर्ष गुप्ता सबसे पहले आपको नमस्ते करता हूँ। और मैं इससे पहले काफ़ी काम कर चुका हूँ, गांव खेड़ा वेब सीरीज भी कर चुका हूँ और कई मूवी में एज ए फाइटर काम भी कर चुका हूँ। और आगे हमारी बहुत मूवी लाइनअप है, जैसे कि 2-3 मूवी लाइनअप है जिनका मैं नाम आपको नहीं बता सकता। और बहुत ही जल्द मैं कंपनी से जुड़ चुका हूँ और जिसका नाम है मेस्ट्रो फाउंडेशन, जिसमें हर एज, हर बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग कोई भी हो, सबको इसमें काम मिल रहा है और सबको एक चांस मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग इसमें आए और एक बार अपनी तकदीर आजमाए, और पक्का है भगवान की दुआ से आप लोगों को ज़रूर इसमें एक आगे बढ़ने का जरिया मिलेगा, एक सीढ़ी मिलेगी, मौका मिलेगा, तो ज़रूर इसमें ट्राई करें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र राठौर, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और ये मेस्ट्रो कंपनी के द्वारा मैंने, ये अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और मुझे भी एक मौका मिला है यहाँ पर आने का जहाँ पर मैंने अपना टैलेंट दिखाया। अभी मेरी शुरुआत है और मेस्ट्रो फ्रो ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका मिला है मुझे यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखाने का। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेस्ट्रो फ्रो कंपनी का जिसने मुझे ये मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ यहाँ पर, अपना टैलेंट दिखाएँ। यहाँ पर सबको, यहाँ पर कोई जाति भेदभाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सबको यहाँ पर मौका दिया जाता है अपने किस्मत आजमाने का, अपने आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पर सबका वेलकम है। ठीक है, तो जितना थैंक यू बस। नमस्कार मित्रों, मारू नाम नीलेश छे, हूँ सूरत में रहूँ छूँ। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं टैलेंट लेने जन्मेलो है, परंतु ज्यां सुधी एने टैलेंट बहार लावानो मौको न मळे त्यां सुधी ए आगळ नथी वधी शकतो। आज अमारू मेस्ट्रो फाउंडेशन छे, आ मेस्ट्रो फाउंडेशन एज जे लोको छे एमनामां टैलेंट रहेलू छे, नानाथी माणीने मोटा, એ બધી વ્યક્તિને એક ચાન્સ આપે છે જેના થકી તેઓ પોતે આગળ વધી શકે છે। તો આ મેસ્ટ્રો ફાઉન્ડેશન છે જે ખૂબ જ સારી કામગીરી બજાવી રહ્યું છે, તો હું પણ ઈચ્છું છું કે તમે પણ મેસ્ટ્રો ફાઉન્ડેશનમાં જોડાઓ અને તમારામાં રહેલું ટેલેન્ટને ખીલવો અને આગળ વધો। નમસ્કાર, બસ એટલું જ કહીશ। નમસ્કાર, માય નેમ ઇઝ અરુણ કુમાર એન્ડ મેં કોરિયોગ્રાફર એન્ડ પ્રોફેશનલ ડાન્સર। આજ મેં આયા થા યે હમારે मेस्ट्रो फाउंडेशन, जिसके क्या ओनर हमारे बोरो सर है, और आज यहाँ पे ऑडिशन वगैरह ये जो आज चल रही थी, जिसके हम मेंबर हैं, हम देख एज ए फ्रेंड और ऑडियंस बन के आए थे देखने। इससे पहले आप कुछ कर चुके हैं? इससे पहले मैं फिल्म में तो नहीं, बट परफॉर्मेंस बहुत सारे किए जी, लाइक प्रोफेशनल डांस एंड स्टेज वगैरह जी, एंड शॉर्ट मूवी वगैरह भी किया है जिसमें भोजपुरी वगैरह भी कुछ किए हैं, कोरियोग्राफी। मेरा okay. नाम तनिष बाजवान है। कहाँ से हैं आप? मैं UP से बिलोंग करता हूँ जी। तो आप इससे पहले कुछ काम कर चुके हैं? हाँ, मैं कर चुका काम, मैंने कुछ शॉर्ट मूवी में भी काम किया है जी। हाँ जी, जैसे कि वेब सीरीज गाँव में अपने वहाँ पर किया, और मुझे मेस्ट्रो फाउंडेशन के बारे में जैसे ही पता चला तो मैं डायरेक्ट मुंबई आया
और मैं सोचता था कि यार मैं अपना टैलेंट किधर दिखाऊँ, बट मुझे पता नहीं चला। बट मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तू एक काम कर। मैंने बोला क्या? तू जा मास्टर फाउंडेशन जा और वहाँ तू सब कुछ कर सकता है, अपना टैलेंट भी दिखा सकता है, वो तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखाएंगे। मैं नजमा अकबानी हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और राइटर हूँ, पोएट हूँ, और मास्टर फाउंडेशन से मैं करीब 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मास्टर फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर आयन वोरा और नास वोरा दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उनका ये एक सपना है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में मौका नहीं मिलता है, तो ये चाहते हैं कि गरीब तबके के लोगों को भी फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले। उनकी ये कोशिश रही है, इसीलिए उन्होंने पूरे स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में इन्होंने ऑडिशन शुरू किए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।